और लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधु भाई, अब हैं हम लोग खटखट टोर पर। खटखट टोर पर देख रहे हो भाई, पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और भाई खटखट टोर पर लगातार जो किसानों की मदद कर रहे हैं, जो कुछ भाई हैं और कुछ भाइयों ने भाई तमिलनाडु से किसानों के लिए मेडिकल किट भेजी हैं, जो यहाँ पर किसान पिछले 9 महीने से लगातार बैठे हैं उनके लिए। तो आइए आप लोगों को दिखाऊंगा किट है, किस तरह की दवाइयाँ। देखो भाई, ये दवाइयाँ हैं मेडिकल किट है जो कुछ भाइयों ने मदद के रूप में खटखट टोल पर किसानों के लिए भेजी हैं, जो किसान पिछले 9 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और खटखट टोल पर बैठे हैं उनके लिए। देखो ये किट है और ये दवाइयाँ भेजी हैं। तो आइए जो खेड़ा काफी प्रधान हैं खटखट टोल के संयोजक, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, पिछले साढ़े 9 महीने से आंदोलन चल रहा है और कुछ लोग जो बाहर रोए हैं अपना हरियाणा से हो या वैसे हो, लोग लगातार खटखट टोल की मदद करने लग रहे हैं, उसको लेकर क्या बोल रहे हैं आप? इतना सहयोग दे रहे हैं, जो दूर बैठे सहयोग दे रहे हैं, पहले भी इन उन भाइयों ने 35,000 की सहायता भेजी थी, 15 रुपये भेजी थी और कंबल भेजे थे। यहाँ भी खट्टा टोल पर भी बैनर वगैरह बहुत भेजे रहे और आज यह दुआई है भाई, यह दुआई भेजी है। कोई जो है सरकार है खटखट टोल प्लाजा, वहाँ से तार जोड़े हूँ भाई ने, तो दर्द में जोड़े होने हैं। यू थोड़ा देश बैठे है और तो ये भाजपा सभी लोग तो बैठे हैं, लेकिन कुछ हमारे किसानों के बच्चे तमिलनाडु में भी बैठे हैं, वो तो आए हैं सहायता दवाई सारी आएगी। विदेशों में हमारे भाई बैठे हैं, वहीं भी सहायता देते हैं। ये तो अपने देश में तो रह रहे हैं, हम तो उनकी देश सराहना करो, दिन दुगुनी रात दुगुनी भगवान उनका घर खुशी बनाओ। हर भाई उनकी जो उनका परिवार ने जिंदगी जो मतलब हमारी तो भाषा ही है भाई, और तो हम के सहायता कर सकते जो वह हमारी सहायता करे, आज संकट की घड़ी में जो संकट की घड़ी में जो सहायता करे नहीं भाई, वो मनुष्य मान्य है और पसे पसाए ना तो दुनिया दे दे। आज हमारा पूरा भारत का किसान मजदूर संकट में है, कोई भी थोड़ी भी मदद करे हमने वहाँ 100 मन लग गए, जैसे भैया मदद करे तो हमने 100 मन दिखाई दे है। अरे तमिलनाडु के भैया ने तो पहला भी हमारा को मदद करी है और उससे पहला भी करी है, और आज भी जो जरूरत की चीज है खासकर दुआई समस्या का करना है भाई, खांसी बुखार आया रहे तो हमें उनका इतना बार बार धन्यवाद करा भाई। उन्हें हमारे पास भाई साहब आवे है, छत्तीसगढ़ देखिए भाई आओ सारे धर्म आवे है, कोई किसी को हम दुआई दे देंगे और उनको उनके हाथों में दवाई आई है और इससे मुझे सहायता की होगी बेचारे और तो में सहायता पूछा है, ये बहुत बड़ी सहायता, हमें पैसे की सहायता, दवाई पानी की सहायता, हमारे बैंक वगैरह पैसे की सहायता, इसीलिए सहायता क्योंकि ये जो ये फंडिंग बोल रहे हैं ना सरकार भाई, ये तो किसान फंडिंग ले रहे हैं आज तक इस भाजपा सरकार को हम बताओ, अरे तेरे से बता तो फंडिंग कोई नहीं, तने देश बेच दिया अंबानी अंदानी को, देश की देश में देश बेच दिया। हमें तो हमारे जो देश के प्रदेश के किसान मजदूर हैं उन पर 10-10 रुपये ले के अपना काम चला रहे हैं, वो दे आज तक हमारा जो खुजांची है जो यहाँ का जयप्रकाश भाई रजिस्टर चेक कर लो कि 1 भी रुपया ये अमीर का रहे हो, सिर्फ हमारे गरीब भाइयों के रुपया रहे हैं, जुगरी तमिलनाडु के भाई ने भेजे सहायता, इसी तरह हमारा समाज का पैसा उस समाज के पैसे से हम अपना काम चला रहे हैं। और ये फंडिंग बोला था नहीं बस बड़े भाई यार फंडिंग है, अरे भाई तम तो थोड़ी बहुत शर्म करो, फंडिंग तो तम कर रहे हो, सब कुछ बेच के घर अंदर दिया, 2 परिवार में पूरा देश बेच दिया तमने, फंडिंग तो तम कर रहे तम, ये तो सेना की संग की तैयारी कर रहे हैं जी, लेकिन सेना नहीं बिकिन भाई, सेना का नहीं हाथ कर दिया तो विद्रोह माजिएगा, सत्याग्रह हो जाएगा, भोसाल माजिएगा, और ये युद्ध देश भेज दिया इसे भी इतना माच गया इनका, और इनका ये कह हैं
एक समुदाय के लोग ऐसे हैं, मुट्ठी भर बैठे हैं, ये तो परम जीव हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं, शर्म करो तुम भाजपा के लोगों, एक तो हमें जाओगे इस देश से, ये भी इस देश से जाओगे, इनका राज नहीं आओगे, क्योंकि दर्द है घात है, ये हमारे इतने लंबे करती है घात, सात पीढ़ी भी घात होगी, मैं तो मर रही है, और ये कहे हम दोबारा हमारा कमेटी बनाए है, कोरोना किसी का क्या कह दिया, मुसलमान हिंदू ये भी मुख्यमंत्री भी बदलने लायक है, हाँ गुजरात का बदल राजनीति या भी जात बिरादरी धर्म मजहब पर है या बात जो पटेलों का पहला था पटेल का ही बनाए थे वो पटेल खुद होगी हरियाणा में भी किसी ने या तो नठो है इसने ठा जो कुछ कर लो ही किसान आंदोलन में एक भाई ने पूछा था मैं बरबर किसान आंदोलन में एक रति बर्फ नहीं पड़ेगा एक इंच बर्फ नहीं पड़ेगा बल्कि दूना सर किसान आंदोलन सारा फैल होते सारे करनाल का ला लो तो मुजफ्फरनगर का ला लो हिसार का ला लो ये जरा ये वाई हाथ के काम करो उन्हें सारे कड़के टांग दे और ए बी ओपी में कड़के टांग जाओगे और ये एक और खबर आई थी हमारे द्वारा 2014 में इंग्लैंड में एक पंचायत हुई थी ओडर भारत के मूल के आदमी 2014 में इन्हें ई वी एम हैंग किया था इन्हें कौन वोट दिया था तो बोलिए ई वी एम पर इनका ये चक्कर है ई वी एम से भी हम खिलाफ हैं तो ई वी एम बेगम करेंगे किमें ई वी एम में वो करेंगे किमें किमें बेगम क्यों इनकी सरकार है अधिकारी इनकी वजह वह मजबूरी है अधिकारियों की और हमें मांग करेंगे भाई बैट पेपर में इलेक्शन हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी छने ई बी एम में तो गड़बड़ करेंगे बिहार में करो पाई थी एम एल ए की गाड़ी में ई बी एम की मशीन पाई थी एम एल ए की गाड़ी में बॉडी गार्ड तो देखा जाएगा तो उसका यार दोस्त देखा आते तो सामान तो नहीं देखा ई बी एम की मशीन हो कोई भरोसा बाजरा ज्वार का पड़ा देखा हो ये भाई एम एल ए की गाड़ी में झिंडी लाई भी इन्हें कोई पुलिस टोकेगी नहीं वो नहीं करेगा इसलिए सप्लाई भी करे हैं हाँ मैं फंडिंग बोला है चलो गलती का राज आ गया देश तंग कर दिया विदेश तंग कर दिया प्रदेश तंग कर दिए किसान जीते मार दिए लाठी मारी ऐसी उन्होंने हुक्म दे दिया खून टप दौड़ना चाहिए किसानों का सबके सिर फोड़ दो इनको लाइन उड़ेगा नहीं मेरा आंदोलनकारियों को कैसे काबू में कराया जाए ऊपर तक फोड़ा तले तक फोड़ा रहा आंदोलनकारी इनका मेरे ख्याल में इनका ना तो सलाहकार थी ना ही प्रधानमंत्री मोदी थी ना इन्हें कोई सलाह दिंदा ना महाराज मुख्यमंत्री बैठे इसका तो सही कोनी तो जमीन को जुड़े ही कोनी मेरा सूट हमारा हरियाणा में गिर दिया आराम नोटना पड़ गया इसने भी बजावाएंगे भाई अंडे अंडे बैठे रहेंगे 2024 तक बैठे रहेंगे मारे भाई सारे खराब कर दिए जो मुसलमान करने का कर रहे हैं सत्ती बिरादरी ने पढ़ी कुछ पढ़ते ही नहीं आपसे ये तो जिंदगी सब ना दर्द का मेरा पाठ किया ये कौन कह कलिया जाओ जरा विरोध करा आपको आवे करनाल में देख लो जगह नहीं पाई मुजफ्फरनगर और कोई बड़ी रैली हम करेंगे पूरा जगह नहीं पाओगे इनका तो इनका बैम गया लेकर ये आग गए घेर पाशा जनता हरियाणा में देख लो ना एक भी भाई जिंदी लाए फिर हैं फिर अगर पेपर ना एक भी भाई अगर आप बताओ गाड़ी में तड़प पाट एक दो क्या ही सरकार है यार जनता किसान मजदूर दिन का पासे पास यहाँ आगा अगर कोई हाथ जोड़ ले कोई पाँव पकड़ ले कोई माफी मांगे कौन सा तरीका है सरकार चलाने का जब ये काम करें तो भाई क्यों जनता इनकी आदर करे काम करे नहीं पीछे पीछे दौड़े ये अपने भाई है जाने वाला तो की है दूसरे बारह विभाग हम भाई क्या करेगा बारह विभाग मेरे पीछे गए हैं क्या करेगा भाई हमारे भाई सारे खराब चल रहे तनखा दे दूंगा तुम्हें रोड आधा किलोमीटर का रोड दे दूंगा तुम्हें ठेका दे दूंगा क्यों भाई हमारे भाई हैं इनको भी सोचना हमारे भाई है ना सोचना चाहिए ये दूसरी तो राज में है हमें तो प्रजा में हाँ प्रजा में रहना चाहिए भाई ने सत्ती बिरादरी में रहना चाहिए भाई ने गरीब का मैं पत्थर लिखूँ क्या था पत्थर लिखे त्याग पत्थर भी तभी इसका एक काम निशान लगा कि
जेल काटने की आदत हो रही है, ये बदलने की छोटने की जेल में थे, कहना मैं चाहूँगा मैं दर्द में कहा हूँ बात हरी हुई त्याग पत्र दे रहे हैं तो जेल में जाओ इसका दे रहा है किस लिए खड़े बैठे भाई फिर 2 लाख तनख्वाह मिलती होगी बंगले गाड़िया कौन छोटे भाई पूरा मारे मरन लग रहा हमें मर के 9.5 महीने हो गए 6-4 भाई हमने शहीद कर दिए अरे हूं सीगा भाई महाराज शहीद होया है तरुण भारद्वाज सोरा सियासी में केवल 20 साल की उम्र थी उसकी तेरे तो छोटा था वो सोरा शहीद हो गया आज तक कोई भी टीवी में अखबार में कोई श्रद्धांजलि दी हो तो हमारी तो क्षमा सुहाव उसकी कथा सरकार ने एक भी बोला हो तो भाई महाराज 6-4 आदमी हमारे शहीद हो गए एक भी सरकार ने बोले क्या था भाई ये धरती में तो जाओगे फिर जान के तो जनाएंगे इसके फिर भी कितने ओका पानी तो पीवेंगे देश के लोग कुछ नहीं इनसे ये जो इनके 6 साल का कार्यकाल है सारी उम्र तक पूछेंगे 7 पीढ़ी पूछते जाओगे भलाई इनके पीछे ला गया रहो तो कल पर चौथा आया था अमर जी धंडा जीत माया था मई पाल धंडा अरे क्या था भाई पानीपत का महाराज लाल मारे जीत में हम तो महाराज जीव ने बोचे बैठे हाँ भाई महाराज खरोस नाव किसी किसान मजदूर पे पानी और तो कोई आया नहीं पानी पत्ता महाराज जीव में आया अनुगम एक अवतार में फूफे से लिया था हमने कहा से लिया जाए महाराज का तो माफी मांग रहा कमेटी आता बदल बदल के ना हो गया कोई कत्थर का जीन के भाई है ना निमिट रहे हैं तो हमें बाहर ले भाई ना हो मारा जीन में दुख चैन की राखा विरोध करा धन तक विरोध करा है लेकिन भाई फिर भी वो गाड़ी में बिठाएंगे पौना पौना करके करना पड़ेगा ठीक है प्रताप हाँ भाई ठीक धन्यवाद भाई तारा।